बेटी कोई समय काम करने के लिए कुछ जगह नहीं बची तो वही कामडामरीकरण को खोद के आपने वो कॉन्क्रीटीकरण कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ टक्के खाने का काम होता है बस। और टक्के में कौन माहिर है और कौन टक्के खाने बादशाह है पूरे मुमरा जानता है। आप ज्यादा मुंह न खोलो तो हम वही बेहतर है। राजन किनी ने कहा है कि मुमरा से विधायक जितेंद्र आवाज की जमीन जो है वो खिसक रही है। ये आने वाले वक्त में पता चलेगा आपको किसकी जमीन खिसक रही है। अवार्ड साहब कुछ नहीं करता है। अवार्ड साहब बोले वो अभी हल्दी मेदे भी उनको बुलाते, निकाह में बुला लेते। इसके 2009 के पहले आमदार यहाँ दिखने में नहीं आता था। आज आमदार रास्ते में, किसी के कुछ प्रोग्राम में, किसी के अच्छे बुरे वक्त में। आपके पार्टी के नगर सेवक वगैरह है वो तो सब इधर उधर भाग रहे हैं। के पुराने ताल्लुकात को कोई खराब करना नहीं चाहता। बीजेपी सिंधुदुर्ग की सरकार होने के बाद जितने माइनॉरिटीज के ऊपर हमले होते आए, आपने कौन सा एक स्टेटमेंट किया है माइनॉरिटी के फेवर में? मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। हमने आपको एक खबर दिखाई थी मेक कंपनी की, जिसमें वहाँ पर राजन दादा जो है वो उनका सम्मान सत्कार वहाँ पर किया गया था, क्योंकि जो रोड वहाँ पर कॉन्क्रीटीकरण किया गया है उसको लेकर वहाँ के लोगों ने उनका सम्मान सत्कार किया था। लेकिन उन्होंने उस दौरान वहाँ के कामों को लेकर और कई मामलों को लेकर जो है यहाँ के जो स्थानीय विधायक है जितेंद्र आवाड उन पर कुछ टिप्पणी की थी, और उन्हीं का जवाब देने के लिए मुमरा के जो ब्लॉक अध्यक्ष है बबलू शेमना वो मौजूद है हमारे साथ। बबलू भाई क्या बताएंगे, जिस तरह से राजन दादा ने जो वहाँ पर काम किया, कॉन्क्रीटीकरण किया, क्योंकि हालात वहाँ पर काफ़ी ख़राब थे, खासदार निधि से उन्होंने काम किया है और आरोप भी लगाया कि इतने सालों में जो विधायक जितेंद्र आवाड हैं उन्होंने वहाँ काम नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। मुझे इस मुद्दे पे बात जो इंटरव्यू देख के मुझे भी कुछ अजीब लगा। बात तो एक ऐसी है, क्या 2010 में जब मैक कंपनी की हालात बहुत खस्ता हो जा रही थी, जो आज गाले 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख जो आज गालों की कीमत है, वो नसीब वाले अच्छी बात है जो उनकी नसीब है, मैक कंपनी के गालों की उस टाइम बहुत खस्ता हालात थी। क्यों? क्या लाइट की लोड शेडिंग की वजह से 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा जब 2009 में सब आवाड़ साहब जीत के आने के बाद मैक कंपनी का एक डेलीगेशन आवाड़ साहब के पास गया था, और मेरे ख्याल से उसके बाद 2010 में एक मीटिंग भी मैक कंपनी में रखी गई थी, जब हमारे वहाँ के उस टाइम के मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार आए थे, वहाँ मीटिंग भी रखी गई थी। उस टाइम उन्होंने मांग की थी कि हमारी मैक कंपनी के हालात बहुत खस्ता हैं, आप हमारी लाइट 24 घंटे करा के देंगे तो हम शुक्रगुजार रहेंगे आपका। तो आवाड साहब ने उसी वक्त हमारे अपने वरिष्ठों से MIDCL से एक निवेदन रिक्वेस्ट करके वहाँ की लाइट 24 घंटा ओनली फॉर मैक कंपनी की 24 घंटा लाइट करवाई थी, और आज जो उस टाइम गालों की हालात ऐसे थे कि मैक कंपनी बंद होने के कगार पे थी, वहाँ के जो वर्कर्स थे सब छोड़ के जा रहे थे, मगर उसके बाद वहाँ 24 घंटा लाइट होने के बाद सब गाले फिर से जो कंपनीज है जो भी है वहाँ तो चालू हो गई। आज गाले उस टाइम 5-10 लाख में बिक रहे थे, आज वो गालों की कीमत 70-80 लाख जो भी है। उन्होंने रास्तों का जिक्र किया, जो वहाँ पर रास्ते हैं वो काफ़ी खराब, वहाँ पर बैंक है अभी समझो, उस समय भी जो है बिजली विभाग का ऑफिस था, अभी भी टोरेंट की ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस है, इसके अलावा और भी राशनिंग ऑफिस है, लेकिन वहाँ पर जो रास्ते थे वो हम लोगों ने भी देखा है कि काफ़ी कीचड़ वाला रास्ता था। देखो मैं आपको ये बात फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि मैक कंपनी का आगे वाला रास्ता जहाँ बैंक है, उसके बाद जो पीछे का रास्ता जहाँ राशन कार्ड का ऑफिस है, ये दोनों रास्ते डामरीकरण किए गए थे। तीसरा रास्ता जो बैक साइड का रास्ता था उसको छेड़ा नहीं गया था, उसे लेवल सेवल करके छोड़ा गया था, क्योंकि वो जो आगे के दो रास्ते होने का तीसरा रास्ता का इतना इंपॉर्टेंस नहीं थे तो उस हिसाब से रखा गया था। अब उसका कॉन्क्रीटीकरण किया, अच्छी बात है, मगर आपको पूरे मुमरा में निधि लगाने के लिए जगह कोई नहीं बची है, रास्ते पूरे मुमरा के हो चुके हैं, उसके लिए आपने वो बोलते हैं ना उसको ब्यूटीफिकेशन में काम करने के लिए कुछ जगह नहीं बची तो वही कामडामरीकरण को खोद के आपने वो कॉन्क्रीटीकरण कर रहा है। काम किया अच्छी बात है, मगर आप ना बोलो कि आवाड़ साहब ने कुछ नहीं किया। आवाड़ साहब ने वो बैंक कंपनी बंद होने के कगार पे थी, उस वक्त 24 घंटा लाइट दे के आज बैंक कंपनी शोरों पे, और वहाँ कितना रोजगार लोगों को मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ टक्के खाने का काम होता है बस।
और काम नहीं करते। टक्के खाने के में तो मैं अब क्या बोलूँ, टक्के खाने में और अनलीगल कंस्ट्रक्शन जो आज हलन कोलियावाड़ा में चल रहा है, आप जाके कैमरे से ढूंढ लो, सब में ज़्यादा अनलीगल कंस्ट्रक्शन जो उनके प्रभाग में ही हो रहा है। और टक्के में कौन माहिर है और कौन टक्के खाने बादशाह है पूरे मुमरा जानता है। अब ज़्यादा मुँह न खोलो तो हम वही बेहतर है। अच्छा, विधायक जितेंद्र धवाड़ वो भी ट्वीट करते हैं इलीगल बिल्डिंगों को लेकर, लेकिन शहर में एक ऐसी चर्चा है कि वो उन्हीं के बिल्डिंगों की ट्वीट करते हैं जो उनके खिलाफ बिल्डर हैं, जो उनके सपोर्ट में बिल्डर हैं, उनका ट्वीट नहीं करते, उनके सपोर्ट में रहते हैं। देखो, आज के तारीख में हम विपक्ष में हैं। आज देखो कि शासन के अंदर भी अब विपक्ष के आमदारों को निजी नहीं दी जा रही है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उन पर कहीं ना कहीं अन्याय हो जा रहा है। उन लोग भी निधि के लिए आज हाईकोर्ट जा रहे हैं। हमारा फ़र्ज़ है, अवार्ड साहब का फ़र्ज़ है कि उनको कुछ गलत दिख रहा है तो उसको ट्वीट करके प्रशासन को जगा सचेत करना। वो अपना काम बखूबी कर निभा रहे और अच्छी तरीके से करें। नहीं, वो नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा आरोप लग रहा है कि जो बिल्डर जितेंद्र रावत के खिलाफ उन्हीं के अवैध बांध काम का ट्वीट किया जाता है, वो ट्वीट करते हैं, जो बिल्डर उनके सपोर्ट में है उनका वो ट्वीट नहीं करते। ऐसी बात नहीं है, ये अब बोलने के लिए बात है। ये सब जो भी बिल्डर है, जो भी लीगल काम चल रहा है, ऐसा कोई किसके साथ किसी के पॉइंट आउट करके ऐसा किसी कंप्लेंट नहीं करते। अनलीगल के अवार्ड साहब पहले से ही खिलाफ थे और आज भी है और कल भी रहेंगे। अनलीगल कंस्ट्रक्शन से सिटी को तकलीफ ही होना है। जितेंद्र रावत ने कहा था कि राबोड़ी में जब दंगा हुआ था तो उस वक्त वो सबसे पहले वहाँ पहुँचे, सबसे आगे वहाँ पर थे गोली खाने के लिए, लेकिन नजीमुल्ला का कहना है कि सबसे आगे तो उनके भाई थे, ये रास्ते में ही एक स्कूल को ही बताया, वहाँ पहुँचे और गोली की आवाज़ सुनी, वहीं से वापस हो गई। राजन दादा भी वही बात कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, नजीब भाई ने कुछ अलग बताया, मगर राबोड़ी का जो दंगा हुआ उस दंगे के वक्त नजीब भाई तो उमरा करने चले गए थे, मगर अवार्ड साहब उस दरमियान वहाँ नहीं पहुँचते तो वो दंगा कुछ अलग रूप इख्तियार करता। और नजीब भाई ने भी इस चीज़ को क्लियर किया है कि ये हमारा राबोड़ी के लोगों पे कर्ज था और आपको आप चाहते हो तो राबोड़ी में जाके वहाँ के लोगों से इस बारे में पूछिए तो आपको बताएंगे कि राबोड़ी के दंगे में कौन आके वहाँ खड़ा था और किसने हमारी मदद की, तो दंगा होते होते उस टाइम बच गया। मुझे तो यहाँ तक की खबर है कि राबोड़ी में जब दंगा हुआ तो यहाँ के लोकल एक नगर सेवक ने दो गाड़ी यहाँ से भेजे थे लफड़े दंगाइयों की मदद करने के लिए। राजन किनी ने कहा है कि मुमरा से विधायक जितेंद्र रावत की जमीन जो है वो खिसक रही है। ये आने वाले वक्त में पता चलेगा आपको किसकी जमीन खिसक रही है और किसकी जमीन और कौन अच्छे मतों से चुन के आएगा। कल अवार्ड साहब ने आपने इंटरव्यू में कहा था ना, मैं अपक्ष भी खड़ा रहूँ तो 1,00,000 वोटों से चुन के आओगा। ऐसी नहीं कहा है कि लोगों से उनका लगाव, लोगों से उनको मिलना और लोगों पर उनका लोगों पर एतबार, उनको मालूम है लोगों पर ट्रस्ट है। क्योंकि 2009 से लोग बोलते हैं ना अवार्ड साहब कुछ नहीं करता है, अवार्ड साहब बोले वो अभी हल्दी में दे भी उनको बुलाते, निकाह में बुला लेते, इसके लोगों का प्यार है। 2009 के पहले आमदार यहाँ दिखने में नहीं आता था, आज आमदार रस्ते में, किसी के कुछ प्रोग्राम में, किसी के अच्छे बुरे वक्त में हर तरफ होता। आप भी देखे ना, आप गए थे ना अम्बेडकर नगर में, 11 साल हुए वहाँ के नगर सेवक ने कुछ काम नहीं किया था, बोले लोगों के घरों में पानी आ रहा था, लोग साहब की कंप्लेंट आई, पहुँच गए जगह पे काम करके दिया। तो 11 के साल इनके यही खुद अपने वार्डों में खुद काम नहीं कर पाए, एलिगेशन अवार्ड साहब पे लगा रहे। आप कह रहे हैं कि जनता का प्यार मिले, हो सके चुनाव में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आपके पार्टी के नगर सेवक वगैरह है वो तो सब इधर उधर भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है, कुछ बोल भी नहीं रहे, धीरे धीरे भाग भी रहे, लुका छुपी करके जो है एक दूसरे से मिलते भी है। नहीं, वो तो देखो ये 3 किलोमीटर की सिटी है, सिर्फ पुरानी सिटी है, पुराने लोग हैं के थाने तक जाते। नहीं नहीं, वो बात तो अलग है, कैसे ताल्लुकात है लोगों को, एक दूसरों से मिलना जुलना रहता है, क्योंकि पुराने ताल्लुकात को कोई ख़राब करना नहीं चाहता है। मगर एक है कि इलेक्शन में यही देखना कि इलेक्शन के वक्त एक कौन किसके बाजू में खड़े रहता है और कौन किसी के अच्छे वोटों से किसको चुन के देना है, आने वाले वक्त बताएगा। क्योंकि नजीब भाई यहाँ के कोई भी बोले, क्या कोई सेकुलर नहीं है, कोई स्टेटमेंट बतावे, अरे पूरे हिंदुस्तान में
जो सेकुलर नेताओं में जो गिनी जाते हैं ना, उसमें अवार्ड साहब का 10वां नंबर लगता है, 10 नंबरों में 10वां नंबर लगता है, महाराष्ट्र में 5वां नंबर का सेकुलरिज्म में। अरे आप तो थाना के अंदर पूरे मैनेज करके थाना महानगर पालिका चलाते हो, तो हम एलिगेशन करेंगे चलेगा? आपने एक बता दो ना कि अभी जितने शिंदे साहब की सरकार बनने के बाद, बीजेपी शिंदे साहब की सरकार होने के बाद जितने माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमले होते आए हैं, आपने कौन सा एक स्टेटमेंट किया है माइनॉरिटी के फेवर में? कौन सा एक ट्वीट किया माइनॉरिटी के फेवर में? आज जो एलिगेशन अवार्ड साहब की जमीन खिसक रही है, अभी वही शिंदे साहब के न्यानवापी मस्जिद के अंदर जाके शिंदे सर साहब के कार्यकर्ते घुसने की कोशिश किए करते हैं और वहाँ कुछ दंगा पैसाने की कोशिश किए, राजन किने साहब, राजन किने जाके एक स्टेटमेंट देंगे क्या कि एक एलिगेशन देंगे कि मुसलमानों को ये सब चीज़ों से परेशान नहीं किया जाए, या ट्वीट करेंगे क्या? करें, मालूम पड़ेगा लोगों को कौन किसके साथ में है, कौन सेकुलर है। अवार्ड साहब के सेकुलरिज्म पे कोई हाथ नहीं उठा सकता। आज मैं आपको एक बता दूं कि जब भी डायगर में मस्जिद का मसला हुआ, वहाँ के लोग अवार्ड साहब के पहुँचे, जो वहाँ कार्रवाई हो रही थी, अवार्ड साहब वहाँ पहुँचे, कार्रवाई रुका, मस्जिद आलिशान बन गई। उसके बाद लोधा में तरावी पढ़ने का वक्त, तरावी पढ़ने की परमिशन नहीं दी जा रही थी, वो सब लोग अवार्ड साहब के पहुँचे थे। लोधा से बात करके हमारे कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान साथ में जाके वहाँ तरावी को कंटिन्यू चालू कराया गया। ये वो जितना अवार्ड साहब है सेकुलरिज्म पे, उस पर कोई हाथ नहीं उठा सकता। और मैं मुमरा में जब से आए, अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसमें उन्होंने भेदभाव नहीं किया। ये वो इंसानियत की राजनीति करते न कि भेदभाव वाली राजनीति करते। तो आपने सुना कि जिस तरह से बबलू शेमना ने बताया कि जो राजन कीने हैं उन्होंने जो भी आरोप लगाया था उसका जवाब किस तरह से उन्होंने दिया, और ये भी कहा कि खुद जितेंद्र भाट ने अपने बयान में कहा था कि वो अगर वो अपक्ष में खड़े रहेंगे तो भी उन्हें मुमरा की जनता 1,00,000 वोटों से जिताएगी।